हाँ साहब, बाहर पिक्चर ड्रा कर रहे हैं, अमेरिका उनके खिलाफ है। अमेरिका आपके खिलाफ क्यों होगा? सबसे पहले तो अमेरिका के पास टाइम है कि आपको तवज्जो दे सके, वो आप उनके मैप में ही नहीं एग्जिस्ट करते। दूसरी बात यह है, अमेरिका आपसे नाराज तब हो अगर आप अमेरिका के खिलाफ को बात करें। आपकी स्पेस वो यूज करते हैं, एयर स्पेस। आपने सीपैक को रोक दिया पिछले 4 सालों में, 3.5 सालों में, वो 2% पे आ गए, 4% अपने कंप्लीशन पे। आप हर वो काम करते हैं जो अमेरिका चाहता है, और आपको क्यों निकालेगा वो? ये बिल्कुल, ये जरूरी, ये यहां पे ये मेंशन करना चाहूंगा, ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि लोस्ट पॉसिबल रिलेशनशिप है आपके अमेरिका के साथ, लेकिन आपने अभी तक अमेरिका की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, तो आप अमेरिका को, अमेरिका क्यों निकालेगा आपको? बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत, लोग आप गलत इंप्रेशन दे रहे हैं। आप इतने खान साहब कह रहे थे कि मैं इंडिया की तरह एक न्यूट्रल पॉलिसी जो है वो बना रहा हूं, तो सब मेरे खिलाफ हो गए। उसके खिलाफ मैं ये कहूंगा, उसमें आलिया इनके अपने एक एडवाइजर साहब ने, मोईज यूसुफ साहब ने फरमाया था कि इंडिपेंडेंट पॉलिसियां बनती हैं जब आपकी मुआशी तौर पर आप स्ट्रांग हो। अगर आपकी इंडिपेंडेंट मुआशी पॉलिसी होगी तो तब आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिपेंडेंट होगी। अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी डॉलर बेस होगी तो आप कभी भी आपकी फॉरेन पॉलिसी जो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। आपको जहां से डॉलर आएंगे आपको उनकी बातें माननी पड़ेंगी, उनका इन्फ्लुएंस और कंडीशन साथ आएंगी पैसों के। और अभी तक आप कहां भी जाते हैं पैसे मांगते फिर रहे हैं। मैं तो खैर शुरू से ये कहता हूं कि आपका इंडिया के साथ किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं है, बल्कि आपके हालात बेहतर हो जाएंगे अगर आप इंडिया से अपना कंपैरिजन करना छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि आप तो बांग्लादेश के साथ भी कंपेयर नहीं हो सकते जो 1973 में आजाद हुए। आप तो उनके साथ भी कंपेरिजन करने की पोजिशन में है, तो आप भारत के साथ कंपेयर करते हैं जो साइज में बहुत बड़ा है, जिनके अंदर जमहूरियत की एक पूरी एक्सरसाइज होती है, जो सही एक्सरसाइज होती है, हाइब्रिड सिस्टम नहीं है वहां पे। पंजाब उसकी आज जिंदा मिसाल है। फिर तो रियासत मदीना दिल्ली में हुई ना? बिल्कुल मैं एग्री करूंगा, बिल्कुल मैं एग्री करूंगा। एक खास साहब मुझे ये बताएं, इन्होंने हर चीज बना दी है सिवाय करप्शन के। हर आर्डिनेंस इन्होंने अपने जेब में स्टैंप रखी हुई है, उस स्टैंप लगा के आर्डिनेंस निकाल लेते हैं, लेकिन करप्शन नहीं रोक सके जो मैंडेट का हिस्सा था। अब तो खान साहब भी तारीफ करने पे आ गए, अब तो वो भी जाते जाते वो भी, लेकिन टू लेट। देखे उनका नंबर 85 है करप्शन में, आपका 140 है, उनका डॉलर 70 पे है, आपका 200 से ऊपर जाने वाला है। तो आप हर किस चीज का कंपैरिजन? डॉक्टर जयशंकर इज अ प्रोफेशनल, इज अ स्टेट्समैन, इज अ प्रोफेशनल डिप्लोमेट। हमारे जो जो मसूफ हैं वो मुल्तान की, वो जिले की सियासत चाहते हैं, वो उनके टेबल के ऊपर फॉरन पॉलिसी नहीं है। और सबसे बड़ी मिसाल आपने आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में दे दी कि देखें OIC का इजलास हो रहा है और उसका एक की प्लेयर जो है UAE, वो कश्मीर बैठा है, क्योंकि इन्होंने कश्मीर पे बात करनी होगी, वो वहां पे अपॉर्चुनिटीज, वो कश्मीर का अजीब सी बात है, वो कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए तैयारी है, वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहां पे कर रहे हैं। OIC सबसे पहले मैं उस पर बात क्या करूं, मैं आलिया जो मेरी ऑब्जर्वेशन OIC का क्या है, एक मुसलमानों के लिए प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की गई थी पैरेलल टू यूनाइटेड नेशंस, जो कि कोशिश नाकाम है, वो एक सऊदी टूल बन चुका है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है, सऊदी प्रोपेगेंडा टूल, दैट्स व्हाट इट इज। उसको टर्की के साथ भी इश्यूज हैं, उनको इंडोनेशिया के साथ भी इश्यूज हैं, मलेशिया के साथ भी उनको इश्यूज हैं, और वो अगर सऊदी विल के बगैर आप कोई भी बात करें तो OIC आपको वहां से बाहर निकाल देती। और एक OIC आपको ना फलस्तीन पे डिलीवर कर सकी कुछ ना कुछ भी, वो ना बर्मा में कुछ डिलीवर कर पाई, ना वो सीरिया के मुसलमानों के लिए कुछ कर पाई, ना वो कश्मीर के बारे में कुछ कर पाई। तो उसको बुला के एक ऐसा मुल्क उसको बुला के इजलास कर रहा है जहां के लोग गुर्बत से में पिस रहे हैं, जो दो वक्त का खाना नहीं खा रहे। आप उन टैक्स पेयर का पैसा जो है इतने लोगों को बुलाएंगे, और आपने आज से महीना पहले, 2 महीने पहले बुलाया था, $1 भी आपको देकर नहीं गए वो, तो उनको बुला के इतना जबर, सवाए इस वक्त OIC को अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके अलावा उसका कोई फायदा नहीं पाकिस्तान में आने का। इस मैनिपुलेशन, आपने कहा कि सर दो वक्त का खाना जहां पर जो है वो देने की आपको फिक्र करनी चाहिए, तो उसका एजेंडा देख लीजिए, उन्होंने रखा है कि इस्लामोफोबिया, पैलेस्टीन, कश्मीर, ये सब कुछ, और असल जो मसाइल है हमारे वो तो इससे कहीं बहुत मुख्तलिफ है ना। देखें यहाँ वॉशिंगटन DC तक चीखें गरीब पाकिस्तानियों की सुनी जा सकती हैं, लेकिन इस्लामाबाद वाले उनके कानों में सीसा जा चुका है। यही एक सबसे बड़ा अलमिया है, यही सबसे बड़ा अलमिया है कि डॉलर 200 तक जाने वाला है, और इनको जिनकी आमदनी डॉलरों में पाउंडों में है, उनके वो आंखों से अंधे और कानों से बहरे हो चुके हैं।
हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं भी जो मैं दो हफ्ते जो अपने आंखों से देख कर आया हूँ, मैं ड्राइवरों से पूछता रहा हूँ, वेटरों से पूछता रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी के क्या हालात हैं, और वो उनके चेहरे देख कर आया, उनके आंसू देख कर आया हूँ। मैं अफसोस वाली बात है कि हमारे जो रियासत मदीना का सबसे बड़ा ठेकेदार है, मिसाल दे देता है ब्लूमबर्ग की, और उसको महंगाई भी नजर नहीं आ रही, उनको महंगाई नजर नहीं आ रही। वो बातें करते, वो मिसाल देने शुरू कर देते हैं तो वो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस की मिसालें देते हैं, भाई उर्दू में बात करो उनको लोगों के साथ यार। अब देखें किस तरीके से यू टर्न मार गया, अब इस्लाम सिर्फ इस्लामोफोबिया है, और यार खाने को कुछ मुंह में पेट में होगा तो इस्लामोफोबिया की बात होगी, एक भूखे बंदे को ये जो आप बता। और मैं एक और मिसाल से पूछता हूँ, वो हजरत उमर साहब, हजरत उमर रजी अल्लाह उनके दौर में वो एक कुत्ता भूखा सोता था उसका भी जवाब देते, और दूसरा उनके दौर में कैद पड़ा था तो उन्होंने चोरी की सजा मुअत्तल कर दी थी। इस वक्त तो पाकिस्तान में ये बिल्कुल वो टाइम आ चुका है, चोरियों की अदालतें तो पहले कुछ कुछ भी डिलीवर नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी अगर कर भी रही है तो चोरों की, अब डाकुओं की सजाएं मुअत्तल करें, क्योंकि वो टाइम आ चुका है अब इस मुआशरे के ऊपर। और खान साहब ने बड़ी चुपके से कह दिया, मैं तब्दीली देना चाहता था, पाकिस्तान अभी तैयार ही नहीं तब्दीली के लिए। सर अभी भी अगर इतनी उनकी सपोर्ट की, ना सिर्फ ये कि अवाम ने भी, उन्होंने वोट भी लिया और हर तरह से आपको पता है कहां कहां से उनको सपोर्ट मिली, अगर अभी भी तैयार नहीं थे तो फिर पता नहीं कैसे इनके लिए तैयारी होगी। अच्छा साजिद साहब ये भी एक बात की इसमें जो OIC है, हम एक OIC पे एक लास्ट क्वेश्चन, फिर हम एक और अपने टॉपिक तरफ बढ़ेंगे, इसमें अफगानिस्तान का मसला जो है वो भी एक बड़ा एक एजेंडे में शामिल। आप समझते हैं कि इस OIC के बाद जो अफगानिस्तान में इस वक्त जो बहुत मसाइल हैं और जो बहुत पीछे चले गए हैं कि वहां पर बहुत खाने पीने को कुछ नहीं और बड़े बुरे हालों को है और कोई बात भी नहीं करा, तो क्या इससे वो मसला उठेगा या हल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। मैं इससे पहले कि OIC के बारे में डिटेल में जाऊं, आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको पता है कि OIC के अंदर अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर नहीं आ रहे, कोई लोअर लेवल का आदमी आ रहा है, ये पाकिस्तान को दूसरी तरफ दूसरे तरीके से सनब करने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों के लिए आपने पिछली दफा OIC का इजलास कराया है, वो लोग ना सिर्फ आपकी OIC में नहीं अच्छे तरीके से शमूलियत कर रहे, बल्कि मुसलसल आपकी सरहद के ऊपर हमले कर रहे हैं। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी, ये फ्लेवर है आपकी पॉलिसीज के, लेकिन आपके आपके माथे पर बल ही नहीं है इस वक्त। आपको ये नहीं पता, मैं बल्कि दो तीन चीजें और जो थी वो मेंशन करना चाहूंगा, खास साहब की इंडिया भारत के साथ फॉरेन पॉलिसी के कंपैरिजन पर, जापान के जो प्रीमियर गए भारत के अंदर, उनकी स्टेटमेंट्स किसी ने पाकिस्तान में कवर ही नहीं की। वो बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म के बारे में देखे गए। उसके बाद आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया की एंगेजमेंट, उसके बाद आपने देखा है कि किस तरीके से वो रशिया से सस्ता तेल लेने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इकॉनमी के लिए, अपनी चीजों के लिए। हमारी पॉलिसीज किस तरफ हैं, किस एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं, वो किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मैं हमेशा इस चीज पे बिलीव करता हूं, आलिया अगर आप खुद को अच्छा काम नहीं कर सकते तो किसी अच्छे काम की कॉपी कर लें आप, लेकिन आप हम लोगों ने एक जिद बना रखी है, और खासकर चाइना, अपने सारे एग्स चाइना की बास्केट में डालने से पहले हमने ये भी नहीं सोचा कि चाइना एक वो मुल्क है, वो कभी अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट डिसीजन नहीं लेता, वो अपने कस्टमर्स लूज नहीं कर सकता, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो भारत हो। तो वो आपके इश्क में इतना आगे नहीं जाएगा कि भारत को एज ए कस्टमर लूज कर जाए, लेकिन आपकी आंखों पर पट्टी होती है हमेशा, आपके सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी डॉलर बेस होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपने प्रॉपर्टीज खरीदनी होती है बेस में, आपने अपने बच्चों की ट्यूशन फीसें भेजनी होती है बेस में। आपके इस वक्त जो रूलिंग एलीट है वो सारी की सारी डुअल नेशनल है, आइदर कैनेडियन सिटीजन है वो, आइदर अमेरिकन सिटीजन है या ब्रिटिश सिटीजन है। आपको फॉरेन इंपोर्टेड चीजों को इस्तेमाल करने का इतना इश्क, आपको जुनून हो चुका है कि आपने अपने लीडर भी बाहर से मंगाने शुरू कर दिए हैं, वो खाते पीते हैं वापस चले जाते हैं, और मार खाता है गरीब का बच्चा जो वहां बैठा है, जिसका कोई कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो बेचारा वोट डालता कहीं है, वोट जाते कहीं है। पूरा आपका पूरा इंतखाबी हलकों के पूरे जो अमले उठा लिए जाते हैं बाहर, उनके साथ किस्मतों के फैसले हो रहे हैं, एक लूट इस तरह की, और ये आज की नहीं है सिर्फ, ये 74 साल की। मेरे साथ इसकी कोई डिबेट करना चाहे कर ले, कि मेरा मकसद है कि पिछले अद्वार में क्या हुआ है, आज तक किसने कौन कितना पेट्रियाटिक था, कितने नेशनलिस्ट थे लोग, मैं उस पर डिबेट करने के लिए तैयार हूं किसी के साथ भी, लेकिन कोई पढ़ा लिखा इंसान हो, कोई ये ना हो।